हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। आज की हमारी रेसिपी है मसालेदार भिंडी। ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। एक बार आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो हर बार आप इसे ऐसे ही बनाना चाहेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम भिंडी। इसे हम अच्छे से धो लेंगे, सुखा लेंगे और फिर उसके बाद हम दोनों तरफ से इस तरीके से इसको छोटा छोटा काट लेंगे। तो इसका स्टेम वाला पार्ट ये अलग कर देते हैं। तो सारी भिंडी को हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से स्लिट कर देंगे। बहुत डीप कट हमें नहीं लगाना है, बस इसे हल्का सा स्लिट करेंगे। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि जो आप भिंडी लें वो बिल्कुल कच्ची हो, ज़्यादा पकी हुई भिंडी ना लें। अगर आपको लगता है कि कोई भिंडी पकी हुई है तो उसे आप अलग निकाल दें। तो सारी भिंडी को हम स्लिट करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए, बहुत डीप कट आपको नहीं लगाना है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच नमक, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक नींबू का रस। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। फिर एक मिक्सर जार में डालेंगे दो हरी मिर्ची और एक मीडियम साइज का टमाटर। दोनों चीजों को पीस लेंगे। फिर एक बाउल में डालेंगे एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और दो छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये हमने सिर्फ कलर के लिए लिया है। फिर इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच बेसन और दो बड़े चम्मच पानी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देते हैं। तो टोटल यहाँ पर हम 4 से 5 बड़ी चम्मच पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा मसाले का पेस्ट बन गया। इसे एक तरफ रख देते हैं। अब एक कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जो भी ऑयल आपके पास है उसमें आप इसको कुक कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में जो भिंडी की सब्जी काफी टेस्टी बनती है। अब हम इसमें भिंडी को फ्राई कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, बस इसे 3 से 4 मिनट तक इसमें फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। 4 मिनट हो गए हैं, अब हम भिंडी को अलग निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो सारी भिंडी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब जो ये कढ़ाई में ऑयल बच गया है इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर ही मैंने लिया एक तेज पत्ता, दो लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और एक छोटी चम्मच जीरा। इसमें जिस भी मसाले का फ्लेवर आपको पसंद ना हो उसको आप हटा सकते हैं। फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम रखा है। एक मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का प्याज। तो यहाँ पर प्याज को बारीक चॉप करके डालेंगे और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पकने देंगे। दो से तीन मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे ये मिर्ची और टमाटर का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट के बाद ये देखिए जो प्याज और टमाटर है वो पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसालों का पेस्ट। जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और 2-3 मिनट के लिए इनको पकने देंगे। फिर जो हमारा मसाले के पेस्ट वाला बाउल था उसी में थोड़ा सा पानी डालेंगे, 3-4 बड़े चम्मच, और फिर इसे भी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी ग्रेवी है इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है।
अब हम इसमें डाल देंगे ये आधा कप के लगभग फेटा हुआ दही। जब भी आप किसी सब्जी में दही ऐड करते हैं तो उसे हमेशा फेट कर ही डालें। दही डालने के बाद हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि जो दही है वो फटे नहीं। फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम रखा हुआ है। तो ये जो मसाला पेस्ट बनके तैयार हुआ है इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और इसे पकने देंगे। अब हम इसमें भिंडी को ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर दिख रही है। अब इसे ढक देंगे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं ढकना है, बस 2 मिनट तक इसे ढक के पकाएंगे। और ये देखिए जो ऑयल है वो अलग हो गया और ये हमारी मसालेदार भिंडी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप एक बार भिंडी को इस तरीके से ज़रूर से बना के ट्राई करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।